सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस देखेंगे। मैट्रिक्स में ऑपरेशंस होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स का एक वीडियो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ इन ए मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू टाइप्स का होता है, एक रो ऑपरेशंस करते हैं और एक कॉलम ऑपरेशंस करते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देखते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए तीन तरह का रो ऑपरेशन करते हैं हम लोग। द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वो कौन सा तीन टाइप का ऑपरेशन है जिसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। सेकेंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो ईच एलिमेंट ऑफ द रो बाई ए फिक्स्ड नॉन जीरो स्केलर। हम लोग किसी भी रो में मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन जीरो स्केलर से, फिक्स्ड नॉन जीरो स्केलर से, और रो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस ऑपरेशंस को भी हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप पहले ये तीनों के बारे में देख लीजिए फिर मैं एग्जांपल से बताऊंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड होता है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ए रो ये फिक्स्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। क्या करते हैं हम लोग, किसी एक रो में एक फिक्स्ड स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देते हैं। तो इस तीन तरह के जो ऑपरेशंस है, इस तीनों को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, जो आप देख रहे हैं कि थ्री रोज है, इसमें फोर कॉलम्स है, तो 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर R12, R12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर देना है। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को सेकेंड में ले आएंगे और जो सेकेंड रो है उसको हम लोग ले जाएंगे फर्स्ट में। तो क्या होगा जरा देखिए, 2, 2, -2, 3 फर्स्ट रो में था, ये आप देखिए यहाँ पर सेकेंड में आ गया है 2, 2, -2, 3, और जो सेकेंड में था 0, -5, 4, 1, ये सेकेंड में था, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आ गया 0, -5, 4, 1। तो ये हम लोग क्या किए कि फर्स्ट रो को सेकेंड में ले गए और सेकेंड रो को फर्स्ट में ले गए। तो ये जो ऑपरेशन किया है इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे R12, और इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखिए दूसरा रो ऑपरेशन जो दूसरा बताया तरीका, वो सेकेंड वाला क्या है, ये लिखा हुआ है R23, इसका मतलब सेकेंड रो में, ये टू लिखा हुआ है तो सेकेंड रो में हम लोग काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस ऑपरेशंस को भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। देखिए क्या होगा, सेकेंड रो यहाँ पर 0, -5, 4, 1 है, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 में 3 से करेंगे तो 0 ही होगा, -5 में 3 से करेंगे तो -15 हो जाएगा, और 4 में 3 से हम लोग करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड रो में क्या किए हैं, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है इसको भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। और एक थर्ड क्या मैं बताया हूँ, थर्ड बताया हूँ किसी भी एक रो में दूसरे रो से मल्टीप्लाई कीजिए और किसी एक रो में एक फिक्स्ड स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे रो के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ R233, मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है यानी ये थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लार्ज 3 लिखा हुआ है इस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और किस में ऐड कर देंगे, सेकेंड रो में।
तो थर्ड रो में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सेकेंड रो में ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट रो तो 2, 2, -2, 3 यही रह गया यहाँ पर, 2, 2, -2, 3। और सेकेंड रो में काम हो रहा है, सेकेंड रो में क्या हो रहा है, इस थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो देखिए ये 3 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -5 में ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा। देखिए नीचे ये -8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 को 4 में ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 आ गया। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3 या 15, 15 1 में ऐड कर देंगे तो ये 16 आ गया। तो हम लोग क्या किए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग सेकेंड रो में ऐड कर दिए हैं, किसको ऐड किए हैं, थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेकेंड रो में ऐड कर दिए हैं। तो ये जो 3 तरह का ऑपरेशन मैं बात कर रहा हूँ, 3 तरह के ऑपरेशन का, ये तीनों ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब देखते हैं हम लोग, ये फिर होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर भी जो बताया रो में काम करने के लिए वही काम हम लोग करेंगे, लेकिन कॉलम में अगर करते हैं तो इसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। देखिए द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो ये 3 तरह का कौन कौन सा ऑपरेशंस है, देखिए द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के किस 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। सेकेंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी कॉलम ईच एलिमेंट ऑफ द कॉलम बाई ए फिक्स्ड नॉन जीरो स्केलर, हम लोग नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक कॉलम में, तो वो ऑपरेशंस भी जो है वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहलाएगा। थर्ड है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम ये फिक्स्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम, किसी एक कॉलम में हम लोग एक फिक्स्ड स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो इस ऑपरेशंस को भी हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो ये 3 तरह का है, ये एग्जांपल से समझिए क्या क्या है 3। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए 4 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। इस मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशंस कर रहे हैं, देखिए ए मैट्रिक्स में हम लोग C2, 3 लिखे हैं, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए सेकेंड को हम लोग ले जाएंगे थर्ड में और थर्ड को ले जाएंगे सेकेंड में, तो क्या मिलेगा, आप देखिए फर्स्ट कॉलम 0, 1, -1, 3 वही रह गया, सेकेंड कॉलम जो है वो चला जाएगा थर्ड में। तो देखिए ये 2, 4, 0, 1 जो था, देखिए यहाँ पर आ गया 2, 4, 0, 1, और फर्स्ट जो थर्ड था 1, -5, 3, 1 ये चला जाएगा सेकेंड में, तो 1, -5, 3, 1 ये सेकेंड में आ गया। यानी कि ये दोनों रो को, कॉलम को, ये कॉलम को, ये कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए हैं, तो इस ऑपरेशंस को भी हम लोग कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। सेकेंड है, यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ये 2 जो लिखा हुआ 2 से मल्टीप्लाई किया गया, किस में मल्टीप्लाई किया गया, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए थर्ड कॉलम में ही चेंज होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम है यहाँ पर, सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेम है यहाँ पर, देखिए थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, और कितना से मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से करेंगे तो 2, 1 या 2, देखिए 2 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 या 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो गया। तो ये ऑपरेशंस को भी हम लोग कॉलम ऑपरेशंस कहते हैं। एक थर्ड ये है, आप देखिए इसके बारे में कि C1, 3, 2 लिखा हुआ है, मतलब थर्ड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे, ये थर्ड कॉलम जो है उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और किस में ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, 1 या 2, और 0 में ऐड कर देंगे तो 2, तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा, -10 को 1 में ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो गया -9, अब -9 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 या 6, 6 को -1 में ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 आ गया। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 में ऐड कर देंगे तो 3, 2, 5 हो जाएगा। और बाकी जो आप सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है आप देखिए ये बिल्कुल सेम है,
तो ये जो ऑपरेशन हुआ ऑपरेशंस, ये भी ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं कॉलम ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होता है और तीन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होता है। ये सिक्स ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हम लोग मैट्रिक्स में जब रैंक वगैरह निकालते हैं या मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ऑपरेशंस करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आगे बताऊंगा इकेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स और वहां पर इकेलन फॉर्म से कैसे हम लोग रैंक निकालते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। और पुनः आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।